प्रभु जी की फते को ज्ञान प्रचारक में जो आ रहे सभी ज्ञानी जी को स्वागत करो और हमारे दिलीप सिंह जी को भी स्वागत करो। दिलीप सिंह जी एक ऐसे बंदे हैं जिन्होंने सिकली कर अंधेरे में जिंदगी जी रहे और जिंदगी अंधेरे से निकालकर और प्रकाश की ओर लाकर सब सिकली वालों को बताओ कि कहाँ जिंदगी जी रहे हैं, कैसी जिंदगी जी है और इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो बहासु कमेटी जिन लोगों ने इनको भेजे हैं उनके भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सुरजीत सिंह और भाई सुरेंद्र सिंह जी की बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे बीच में अगर ये जत्था आते रहेंगे तो हमारे बच्चों को कुछ अंधेरों से बाहर निकल रोशनी आओगी। हमारे बच्चों को ये नहीं मालूम था कि बाजा क्या होता है, तबला क्या होता है, कैसे बजते हैं, कैसे बजाए जाते हैं और हम किस तरह सीखेंगे। ये सब दिलीप सिंह जी की मेहरबानी है कि आज हमारे बच्चे बाजा भी बजा रहे हैं कुछ लोग और कुछ बच्चे हमारे तबला भी बजा रहे हैं और कुछ बच्चों को ये नहीं मालूम था और ना ही हमको पता रहा कि पंजाबी किस तरह जाती है और पंजाबी हम सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। तो ये दिलीप सिंह जी की मेहरबानी है। इन्होंने यहाँ पर और बुलवाकर हमारे जत्था को और जत्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं जो बाहर कमेटी को एक और विनती करना चाहूँगा क्योंकि जो हमारा गुजारा बहुत छोटा है और यहाँ पर शादी ब्याह जो भी कार्यक्रम होते हैं बहुत छोटा रहता है और पानी भी गलता है छतों में। हमारी संगत इतनी गरीब है कि हम कुछ सेवा नहीं कर पाए। आप मेहरबानी करके अगर लंगर घर बनाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।